रोमियो 5:17। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही राज्य करेंगे। हमने यहां पर कुछ हफ्तों पहले एक नई श्रृंखला शुरू की थी। हमने एक नई श्रृंखला शुरू की और इसका नाम हमने रखा हम कौन हैं, हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं। और ये सब इसमें बहुत सी बातें बताई गई हैं जो नई वाचा में विश्वासियों को दी गई हैं। हम कौन हैं, हमारे पास क्या, हम क्या कर सकते हैं। अब नया नियम तो सच में विरासत के जैसे है, मैंने आपको बताया, जो हमारा स्वर्गीय पिता हमें देना चाहता था उसने इसे यीशु मसीह के द्वारा दिया है। सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा ही है और इसलिए ये शब्द कि यीशु मसीह के द्वारा पाएंगे कि बहुत सी पत्रियों में लिखा गया है, क्योंकि सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा है, यीशु के बिना कुछ भी नहीं है। पौलुस जब पिता परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता है तो वो कहता है, मैं धन्यवाद करता हूं हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि यही तो जड़ है, यही वो है जिसके द्वारा सारी आशीष बहती है। इसे कभी नहीं भूलना है, ये उसके द्वारा है, यानी प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर ने सब कुछ दिया है। और नया नियम तो सामान्य रूप में एक वसीयत है जो शब्दों में लिखी गई है, वो सब जो कुछ हमें दिया गया है। इसलिए मैंने आपको बताया कि पत्रियां इतनी महत्वपूर्ण हैं,
क्योंकि विश्वासी को पढ़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा भाग है। यह हमें वही देता है, यह हमें बताता है कि हमारा क्या है यीशु मसीह में और उसके द्वारा, यहां तक कि यीशु क्रूस पर जाने के पहले, इसके पहले कि नई वाचा प्रभावी हो, यीशु मसीह के मारे जाने और जी उठने के पहले, यहां तक कि नई वाचा शुरू होने के पहले ही यीशु ने स्वयं कई बातें कही और मैंने आपको बहुत सी बातें बताई हैं। लेकिन फिर नई वाचा शुरू होने के बाद में हम देखते हैं कि हम पत्रियों में आते हैं, यहां पर पूरी तरह से विवरण दिया गया, शिक्षा दी गई है कि सच में हमारा क्या क्या है यीशु मसीह में और उसके द्वारा। तो हम रोमियो की पत्री में देखने लगे हैं और यहां पर हम बिल्कुल शुरू के स्तर पर हैं। हम बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य में हैं और ये सत्य है धार्मिकता के बारे में। और एक बात जो कि हम हैं वो तो ये है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता है मसीह में। ये अद्भुत सत्य और मैंने कई साल से इसके बारे में सिखाया है। जब भी इसके बारे में कहूं तो मैं खुद प्रोत्साहित होता हूं। हम परमेश्वर की धार्मिकता है, विश्वास नहीं होता लेकिन सत्य है। स्वर्ग के सुप्रीम कोर्ट ने इसे घोषित किया है, मुझे, आपको और बाकी सभी को, कि हम धर्मी हैं। कई बार हम धर्मी जैसे महसूस नहीं करते हैं, हम धर्मी जैसे दिखाई नहीं देते। पति या पत्नी से पूछे तो बताएंगे कि आप धर्मी नहीं हैं, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर आपको कहता है कि आप धर्मी हैं। मैं सोचता हूं मैं परमेश्वर के साथ सहमत हूं क्योंकि वो सभी से बड़ा है। कई बार मैं ऐसा महसूस नहीं करता हूं लेकिन प्रभु के साथ सहमत हूं और उसके न्याय का मैं आदर करता हूं। वो सर्वज्ञानी परमेश्वर, उसने घोषित किया है कि मैं धर्मी हूं और इसलिए मैं उसके साथ में सहमत होता हूं और कहूंगा प्रभु जबकि तूने कहा मैं धर्मी हूं तो मैं कहूंगा कि मैं धर्मी हूं और कभी नहीं कहूंगा कि मैं एक बेचारा पापी हूं। मैं तो धर्मी हूं यीशु मसीह और उसके द्वारा, मैं इसलिए अपने कामों से नहीं लेकिन यीशु मसीह के द्वारा धर्मी हूं। अद्भुत सत्य है। बहुत से विश्वासी इसे नहीं समझते हैं, वो सोचते हैं कि अभी भी बेचारे छोटे पापी हैं। वो अपने बारे में यही विचारधारा रखते हैं, सोचते हैं कि ये कोई पवित्र बात है, ये किसी तरह पवित्रता और उसके जीवन की ओर ले जाती है। यदि मैं सोचूं ये पवित्रता और नम्रता के जीवन की ओर लेकर जाता है, अच्छे आत्मिक जीवन में ले जाता, तो मैं खुद इसके बारे में सिखाने लगता। मैं इसलिए नहीं सिखाता क्योंकि ये केवल असफलता की ओर ले जाता है। ये विचार कि आप एक छोटे पापी हैं, इसके कारण आप छोटे पापी की ओर बढ़ते हैं। जैसा मनुष्य अपने दिल में सोचता है वो वैसे ही है, क्योंकि मनुष्य ऐसे नहीं जी सकता, अपनी सोच से ऊपर या अपनी सोच से नीचे नहीं जी सकता। हम तो अपनी सोच के स्तर पर है, अगर आप इस तरह से देखते हैं हम वही हैं जहां पर हमारे विचार हमें लाए हैं। यदि हम अपने विचारों को उठाए तो हम ऊंचे जाएंगे, यदि हमारे विचार छोटे विचार है तो विचारों के साथ हम नीचे आते हैं। ये क्रिया में प्रकट होते हैं और ये जीवन में प्रकट होते हैं, और यही तो इसके बारे में खतरा है। इसलिए मैं इन बातों के बीच में नहीं जाता हूं कि बेचारा गरीब पापी हूं। ये अच्छा सुनाई देता है, धार्मिक सुनाई देता है, लेकिन ये पूरी तरह से असफलता लाता है आत्मिक जीवन में। आप खुद को बेचारे गरीब पापी नहीं कह सकते हैं और फिर अपेक्षा नहीं कर सकते कि आप विजयी मसीह जीवन जिएंगे। अगर आप बेचारे छोटे पापी हैं तो बहुत ही जल्दी आप उस बेचारे छोटे पापी के जैसे ही काम करने लगेंगे। लेकिन आप विश्वास करने लगे कि मसीह में आप परमेश्वर की धार्मिकता हैं, तो चाहे आपको पाप करने का मौका भी मिल जाए, आप सोचेंगे मैं धार्मिकता हूं, मैं इस पाप में, इस कीचड़ में, इस गंदगी में नहीं जाना चाहता हूं, मुझे इस धूल का कोई हिस्सा नहीं चाहिए क्योंकि मैं तो धर्मी हूं। देखिए, जब आप में आपकी धार्मिकता की सचेतता होती है, यह सच में आपकी मदद करता है कि आप और पवित्र जीवन जिए। जब आप खुद को धर्मी समझते हैं तो ये ज्यादा पवित्र जीवन जीने में मदद करता है, और इसलिए मैं इसी के साथ में सहमत हूं। मैं धार्मिकता की सचेतता के बारे में प्रचार करता हूं क्योंकि यही पवित्र जीवन के लिए अगुवाई करेगा। देखिए, पवित्रता के लिए बुनियाद तो हमारे विचार होते हैं। पवित्रता की बुनियाद यह है कि हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं। यदि हम खुद को पवित्र समझते हैं तो हम पवित्र जैसे व्यवहार करेंगे। यदि हम खुद के बारे में सोचते हैं कि हम छोटे पापी हैं, जानते हैं, तो हम बस उसी के जैसे व्यवहार करने लग जाएंगे। यानी बुनियाद तो विचार है, और ये तो बुनियाद है कि हम खुद के बारे में क्या विश्वास करते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि मैं क्या विश्वास करता हूं, खुद के बारे में क्या सोचता हूं। मैं इस विचार के साथ चलता हूं कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं और बस मैं इसकी कामना ही नहीं करता हूं, मैं इसकी आशा नहीं करता, और मैं ये नहीं सोचता कि काश ये सच होता या ये फिर शायद सच हो सकता है। मैं विश्वास करता हूं कि ये सत्य है क्योंकि परमेश्वर ने इसे सत्य कहा है। आमेन। ये मेरी इच्छा नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। मैं तो छोटा पापी रहने के लिए भी तैयार हूं यदि प्रभु उससे प्रसन्न है, जहां तक कि मेरे पाप क्षमा कर दिए गए, जहां तक कि मैं स्वर्ग में जाता हूं, मैं छोटा पापी रहने के लिए तैयार हूं, उससे मुझे कोई परेशानी नहीं है। देखिए, लेकिन परमेश्वर ने चुना है कि वो मुझे धर्मी कहे, और उसने मुझसे कहा है कि मैं खुद को धर्मी कहूं,
और इसलिए मैं खुद को धर्मी कहूंगा और इसके सिवा मैं खुद को कभी कुछ और नहीं कहूंगा। लेकिन ये जो धार्मिकता है, ये धार्मिकता की सच्चाई किसी और बात की ओर ले जाती है। हम कौन है ये हम क्या कर सकते की ओर ले जाता है, यही बात है। मैं कौन हूं? मैं धर्मी हूं। मैं क्या कर सकता हूं? मैं जीवन में राज्य और अधिकार कर सकता हूं, यही तो परिणाम है। यदि आप नहीं जानते कि आप कौन हैं, तो आप वो नहीं हो सकते और वो नहीं कर सकते जो करना है। पहले हमें स्थापित करना है कि हम कौन हैं और फिर हम चर्चा करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं जबकि हम धर्मी हैं। अब पौलुस हमें यहां पर रोमियो अध्याय 5:17 में बताता है कि जिन्होंने पाया है बहुतायत का अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान, वो यीशु मसीह के द्वारा अवश्य अनंत जीवन में राज्य करेंगे। कुछ अनुवाद इस तरह से बताते हैं कि वो इस जीवन में राज्य करेंगे और कुछ अनुवाद इस तरह से बताते हैं कि वो इस जीवन में राजा के जैसे राज करेंगे, और ये पूरी तरह से सत्य है। इसी जीवन में देखिए, मृत्यु ने राज किया, पाप ने राज किया, यही शब्द है जो पाए जाते हैं इस वचन के भाग में, वचन 12 से आगे, और फिर कहता है अब तुम राज्य करो। मृत्यु राज कर रही थी, पाप राज्य कर रहा था, शैतान राज्य कर रहा था, यह बात सच है। वो कब राज्य कर रहे थे? कब पाप राज्य कर रहा था? कब मृत्यु और शैतान राज्य कर रहे थे? इस संसार, इस जीवन में राज कर रहे थे। अब आप राज्य करते हैं, आप कब राज्य करते हैं? पता नहीं क्यों वो 1000 साल के लिए इसे पोस्टपोन करते हैं। 1000 साल के साल में हम स्वर्ग जाने पर राज्य करेंगे, एक दिन राज्य करेंगे। नहीं नहीं नहीं, यदि मृत्यु ने, पाप ने राज्य किया है अब इस जीवन में, यदि ये आप पर राज्य कर रहा था प्रभु यीशु मसीह में आने के पहले, तो मैं आपसे कहूं जब आप यीशु के पास में आते हैं और आप बहुतायत का अनुग्रह पाते हैं और धार्मिकता रूपी वरदान प्राप्त करते हैं, तो आप अभी राज्य करते हैं। जैसे मृत्यु ने राज्य किया आप राज्य करते हैं, जैसे पाप ने राज्य किया आप अभी राज्य करते हैं। वो भी अभी था और ये भी अभी ही है, वो अभी और ये बाद में नहीं हो सकता, आप इसे अलग नहीं कर सकते हैं। वो अभी है और ये भी अभी ही है। आमेन। तो हमने चर्चा की है हम कैसे अधिकार करने के लिए बनाए गए। पिछले हफ्ते हमने यही देखा, हम अधिकार के लिए बने हैं। जैसे परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो पहली बात उसने उससे कहा कि अधिकार रखो, ये पहला वाक्य है, और कुछ भी नहीं कहा। क्या उसके पास कहने के लिए और कुछ नहीं था? नहीं, वो कहता है अधिकार, अधिकार रखो। वो कह सकता था मेरी आराधना करो, मेरे साथ विश्वास योग्य रहो, वो बहुत सी बातें कह सकता था। उसने कहा अधिकार रखो, आशीष पाओ, फलवंत हो जाओ, बहुगुणित हो जाओ, पृथ्वी को भर दो, सब वश में कर लो और सब पर अधिकार कर लो। परमेश्वर ने यही कहने का चुनाव किया, तो ये परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य तो अधिकार रखने के लिए बनाया गया है, और जब हमने ये देखा कि कैसे अधिकार खो दिया गया जब मनुष्य ने शैतान की मानी, वो राज्य और अधिकार चला गया, वो राज्य करने के लिए बना था लेकिन खो बैठा, और इसलिए तो शैतान यीशु की ओर देखकर कहता है ये राज्य है और इसकी सामर्थ्य, इस पर का अधिकार जो है ये तो मेरे हाथों में सौंपा गया है, ये मुझे सौंपा गया कहता है। और यीशु ने कभी उसे नहीं डांटा, क्योंकि ये तो बात सत्य थी, जो मनुष्य को दिया गया था वो अब शैतान के हाथों में था। शैतान ने घोषणा की और यीशु ने इसे सुना, उसने कभी नहीं कहा, उसके पास मौका था कि कहे नहीं तू झूठ बोलता है, उसने नहीं कहा क्योंकि यह सत्य था। वो संसार का ईश्वर है, राज्य अधिकार करता है, लेकिन यीशु उद्देश्य के साथ आया, वो तो उद्देश्य के साथ में आया, और वो उद्देश्य यही है कि हमारे पापों को उठाए और क्रूस पर मारा जाए हमारे प्रतिनिधि के रूप में, और केवल इतना ही नहीं लेकिन नरक के, सीधा नरक में जाए और शैतान का सामना करे और उसे खाली कर दे उन सारी चीजों से जो उसने मनुष्य जाति से छीनी, और उसे वापस ले ले और उसे लेकर वापस आए और वो हमें लाकर दे दे। और इसीलिए यीशु क्रूस पर मरा, इसीलिए यीशु आया था और उसने ऐसे ही किया। तो मैं इसके बारे में और ज्यादा आपको बताना चाहूंगा। देखिए, जब यीशु आया तो वो राज्य करने लगा, वो पूरी तरह अलग था, वो शैतान के ऊपर राज किया, शैतान पर, दुष्ट आत्माओं पर, उसने तूफानी झील पर राज्य किया, उसने बीमारियों पर राज्य किया, सारी बातों पर राज्य किया, अलग था क्योंकि वो पाप की सामर्थ्य में नहीं था, शैतान उस पर राज्य नहीं कर सकता था, वो आजाद था, वो राज्य कर सकता था, वो अलग व्यक्ति था, वो राज्य करने वाला था। तो कुछ कहेंगे खैर वो तो परमेश्वर था भाई, ये मत भूलिए वो तो यीशु था। हाँ वो परमेश्वर है, यीशु परमेश्वर, इससे मैं सहमत हूं, लेकिन वो मनुष्य है। खास करके जब उसने इस पृथ्वी पर काम किया, इस पृथ्वी पर अपने जीवन में जिया और उसने काम किया, मनुष्य के रूप में उसने किया, क्योंकि उसने मनुष्य जैसे से किया, इसलिए जरूरी था कि पवित्र आत्मा उसके ऊपर आए। इसलिए प्रेरित अध्याय 10:38 इस तरह से कहता है, पत्रस ऐसे कहता है, और परमेश्वर ने यीशु नासरी को अभिषेक दिया,
पवित्र आत्मा और सामर्थ का कि वो भलाई करते फिर और शैतान के सभी सताए लोगों को छुटकारा दिया। देखिए वो कहता है, परमेश्वर ने यीशु नासरी को अभिषेक दिया। यीशु नासरी को अभिषेक की जरूरत क्यों थी यदि वो सब कुछ परमेश्वर के रूप में ही करने वाला था? परमेश्वर को कुछ करने के लिए अभिषेक की जरूरत नहीं, वो अभिषेक देने वाला है। उसे अभिषेक की जरूरत क्यों थी? उसे अभी अभिषेक की जरूरत थी क्योंकि वो मनुष्य के रूप में आया, वो मनुष्य के जैसे जीना चाहता है, परमेश्वर के रूप में ऐसे उपयोग नहीं करना चाहता। वो उसे अलग करता है और वो मनुष्य जैसे जीता है। जो भी यीशु ने किया उसे मनुष्य के रूप में किया, और इसलिए उसे राह देखनी पड़ी कि पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया। और फिर वो कहता है कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है कि कंगालों को प्रचार करूं, टूटे दिल वाले लोगों को चंगाई दूं, बंधुओं को आजाद करूं, कि अंधे लोग देखने लगे। अब वो तैयार है, वो कहता है। खैर वो इसे हर समय कर सकता था, लेकिन हर समय ऐसा नहीं किया। उसने राह देखा कि पवित्र आत्मा आ जाए, फिर वो कर सकता है, क्योंकि मनुष्य के रूप में उसे पवित्र आत्मा की सामर्थ की जरूरत थी कि वो ये काम करें। तो यीशु परमेश्वर था, ये बात वहां पर आपके विश्वास में बीच में रुकावट ना हो कि मनुष्य को ऐसे होना चाहिए। बहुत से लोग यीशु के बारे में इस तरह से कहते हैं, आप मत भूलिए भाई कि ये परमेश्वर है। तुरंत उस तरफ झुक जाते हैं, वो परमेश्वर है नहीं, वो मनुष्य है। वो परमेश्वर है हाँ, और साथ में नहीं भी, क्योंकि वो मनुष्य है। मनुष्य मनुष्य के रूप में काम करता है, इसलिए पवित्र आत्मा के अभिषेक की उसे जरूरत थी। और उसने राज्य और अधिकार किया, उसने सैंपल के रूप में दिखाया कि मनुष्य को कैसे होना चाहिए। हम बहुत पहले ही भूल गए थे कि मनुष्य क्या होने के लिए बना है। जबकि आदम गिरा, उसके बाद में हजारों पीढ़ियां आकर गई, हम राज्य और अधिकार करने के बारे में नहीं जानते। हम नहीं जानते कि मनुष्य कैसे दिखता है, और इसलिए परमेश्वर को आना पड़ा, मनुष्य का रूप धारण करना पड़ा, और इस संसार में आता है और हमें प्रकट करके दिखाता है कि मनुष्य कैसे होना चाहिए। क्योंकि और कोई मनुष्य नहीं था जो राज्य और अधिकार कर सके, क्योंकि सब शैतान के अधिकार में थे। इसलिए एक को आना पड़ा जो कि शैतान के सामर्थ्य अधिकार में नहीं था, वो दिखा सके। और इसीलिए तो यीशु आया, उसका कुवारी के द्वारा जन्म हुआ, और इसीलिए शुद्धता और पवित्रता यहां तक कि उसके जन्म में भी थी, कि वो शैतान और उसके अधिकार से आजाद रहे, कि वो राज्य अधिकार करे और हमें दिखाए कि आपको और मुझे बस ऐसे ही होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, उसने अंजीर के पेड़ से कहा और 24 घंटे के अंदर वो सूख गया। उसके पास में अच्छा मौका था कि ये कहें कि ऐसे करने की हिम्मत न करना, क्योंकि परमेश्वर का काम है, केवल प्रभु ये कर सकता है। नहीं, उसने ऐसे नहीं कहा। यदि वह ऐसे कहता तो मेरे इस बाइबल में सुंदर लाल अक्षरों में वो लिखा जाता। तो ये इस तरह से कहता कि यीशु ने इसे किया, लेकिन तुम ऐसा करने की हिम्मत मत करना, क्योंकि यीशु ही ऐसे कर सकता है। लेकिन इसके बजाय लाल अक्षरों में मैं पढ़ता हूं कि उसने ये अंजीर के पेड़ से कहा और वो सूख गया। उसने कहा कि जो कोई भी इस पहाड़ से कहेगा कि तू उखड़ जा और समुन्द्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, लेकिन विश्वास करके जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसने जो कहा वो हो जाएगा। बिल्कुल उल्टा ही कहता है। ये तो मनुष्य के लिए है, मनुष्य कर सकता है, कोई भी मनुष्य कर सकता है, कोई भी इसे कर सकता है। तो मेरे दोस्तों, यीशु ने प्रकट करके बताया कैसे राज्य अधिकार करे। एक पहाड़ से कहना कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, ये तो निश्चय राज्य करना है। कितनों को लगता है ये राज्य करना है? क्या आपने कभी किसी पहाड़ को समुद्र में फेंका है? मैंने बहुत से पहाड़ों को अपने जीवन में देखा है, उनका सामना किया है, बहुत से पहाड़ों को मैंने पार कर दिया है, और बहुत से पहाड़ों से मुझे चुनौती मिली है, लेकिन मुझे अभी कोई पहाड़ नहीं दिखते। मुझे पता है कि वो कहाँ गए हैं। मैंने उनसे कहा कि समुद्र की तह में चले जा यीशु के नाम में, और वो चले गए। मेरे जीवन की पहाड़ों जैसी समस्या आज समुद्र की तह में पड़ी है। इसका मतलब ये नहीं कि जीवन में पहाड़ों का सामना नहीं करता, मैं उनका सामना करता और उन्हें मैं समुद्र की तह में भेजता हूं। समुद्र की तह तो बहुत ही बड़ी जगह होगी मेरे दोस्तों, बहुत से पहाड़ वहां पर आ सकते हैं, पहाड़ों को वहीं पर जाना चाहिए। आमेन। एक बार इसका स्वाद लेने के बाद आप जानेंगे कि मनुष्य को कैसा होना है। उसे तो राज्य और अधिकार करना है। आमेन। कि आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम भी राज्य और अधिकार के लिए हैं, केवल यीशु ही नहीं, उसने हमें यह अधिकार दिया। इसे प्रकट करके दिखाता है, नई वाचा शुरू होने के पहले से ही, शुरू के स्वाद में उसने ये हमें दिखाया। मेरे साथ निकाली लूका अध्याय 9 वचन 1। लूका अध्याय 9 वचन 1। उसने अपने 12 चेलों को बुलाया और उन्हें सामर्थ और अधिकार उन्हें दे दिया सभी दुष्टात्माओं पर। सब लोग के सभी दुष्टात्माओं पर। अब देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि देखिए भाई, इस राज्य पर ये खास दुष्टात्माएं हैं, उससे सावधान रहना होगा। नहीं, सभी दुष्ट आत्मा है, क्योंकि यहां पर वो दुष्ट आत्मा भी जुड़ी है। और किसी ने कहा, आप जानते हैं भाई, वो तो सांप की दुष्ट आत्मा है। यहां पुरुषवाकम में एक बार ऐसा हुआ, कोई आया
और वो किसी के घर में गए और जाकर उन्होंने कहा, आपके घर में सांप की दुष्ट आत्मा है और कलकत्ता से किसी खास आदमी को आकर निकालना होगा, वो सांप की दुष्ट आत्मा से निपट सकते हैं। ये सांप वाली दुष्ट आत्मा है, कोई सामान्य दुष्ट आत्मा नहीं। लेकिन यीशु ने कहा उसने उन्हें सभी दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया, यदि मैं आपकी जगह होता तो सब पर घेरा बनाता, क्योंकि कुछ लोगों के लिए लाल अक्षर ही काफी नहीं है, मतलब वहां पर कुछ चिन्ह लगाए, घेरा बनाए, स्टार बनाए या फिर किस तरह से हाईलाइट कीजिए सभी दुष्ट आत्माओं पर। मुझे परवाह नहीं कि कौन सी दुष्ट आत्मा है, चाहे एशियन, अफ्रीकन, अमेरिकन या यूरोपियन दुष्ट आत्मा हो, कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी है। सभी दुष्ट आत्माओं के ऊपर में, संसार की हर एक दुष्ट आत्माओं के ऊपर उसने उन्हें सभी दुष्ट आत्माओं के ऊपर सामर्थ्य दे दी और बीमारियों पर अधिकार दिया। आपको देखिए इन दिनों में ऐसे प्रचार करना चाहिए, क्योंकि लोग तो बहुत सी बातों में है। देखिए सभी दुष्ट आत्माओं पर, मुझे ये पसंद है, सभी दुष्ट आत्माओं के ऊपर में। आप नहीं कह सकते कि ऐसे कुछ दुष्ट आत्माएं हैं जिस पर हमें अधिकार नहीं दिया गया। यीशु ने कहा मैंने तुम्हें सारी सामर्थ्य दी है सभी दुष्ट आत्माओं के ऊपर में, सभी दुष्ट आत्माओं के ऊपर में, हर दुष्ट आत्मा पर। इसे सुनिए, उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। उन्हें जाकर क्या करना था? परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना था और फिर बीमारों को चंगाई देना था। ये दो बातें यहां पर दिलचस्प रूप रखी गई हैं, प्रभु राज्य का प्रचार और बीमारों की चंगाई। इन दोनों का आपस में क्या संबंध है? परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य तो वो है जहां पर राजा यीशु की, परमेश्वर की आत्मा का राज्य होता है। ये परमेश्वर का राज्य है जहां परमेश्वर राज्य और अधिकार करता है। ये प्रभु का राज्य है। किंगडम दो शब्दों से है, मतलब किंग और डोम। किंग याने जो राज्य करता है और डोम याने ऐसा शब्द है जहां से हमें डोमिनियन शब्द मिला। राजा का डोमिनियन, या कहिए राजा का डोमेन। तो प्रभु राज्य का प्रचार करो याने राजा के डोमेन का, राजा के राज्य का, और बीमारों को चंगाई दे, ये दोनों साथ में चलते हैं। यदि परमेश्वर का राज्य वहां पर है तो बीमारी को जाना होगा। प्रभु राज्य का प्रचार करो और बीमारों को चंगाई देते जाओ, ये दो एक साथ रखे गए हैं। कितने लोग जानते हैं चंगाई परमेश्वर की इच्छा है? यीशु ने कहा, जब प्रार्थना करना सिखाई तो उसने ये कहा, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा पृथ्वी पर वैसी पूरी हो जैसे कि स्वर्ग में होती है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि स्वर्ग में कोई समस्या नहीं है, उसकी इच्छा पूरी होती है। पृथ्वी पर, यहां पर जितने सिर है उतनी इच्छा पूरी होती है। मैंने एक बार एक आदमी का संदेश सुना और उसके संदेश का शीर्षक था, सात कारण क्यों क्यों परमेश्वर लोगों को बीमार करता है। मैंने सोचा मेरे प्रभु संदेश के लिए और कोई विषय ही नहीं मिला। उन्होंने यहां पर सात पॉइंट दिए कि परमेश्वर लोगों को क्यों बीमार करता है। अगर परमेश्वर लोगों को बीमार करता है तो मैं आपको बताऊं, उसे संसार के बहुत से देशों में आने नहीं दिया जाएगा। यदि किसी देश में इमिग्रेशन के लिए जाना है तो आपसे कहते जाकर पहला पूरा चेकअप करके आइए। वो देखना चाहते हैं एक्सरे और वो ब्लड चेकअप और सब कुछ देखना चाहते हैं, एड्स चेकअप और हर तरह का चेकअप करके वो पूरा प्रोफाइल देखना चाहते हैं। वो जांचते हैं, वो चाहते हैं कि आप अपने साथ बीमारी वहां पर लेकर न जाएं। और यदि वो है जो बीमारी को बढ़ावा देते जाता है तो उससे बहुत से देशों में जाने से इनकार किया जाएगा। हेलो, यीशु का स्वागत नहीं होगा, साथ ही उसे जेल में डाला जाएगा क्योंकि वो कुछ अपराध कर रहा है। लेकिन फिर भी हमारे अंदर ये विचारधारा होती है कि परमेश्वर के बारे में ऐसे कहें कि वो बीमारी देता है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, संसार इस बीमारी में है क्योंकि शैतान इस संसार में राज्य करता है। यही तो सत्य है। बीमारी तो है, इस सच्चाई का इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक मनुष्य के द्वारा पाप इस जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। मृत्यु का यह अर्थ नहीं कि आप नीचे गिरकर मर जाते हैं। मृत्यु का मतलब हर एक बुरी चीज जिसमें बीमारी और रोग जुड़े हैं। तो ये शैतान का संसार है और इसीलिए ये सारी बातें इसमें आई हैं। ऐसा ही कहिए, क्यों आप हर बात के लिए परमेश्वर पर दोष लगाते हैं? मुझे हर बात के लिए प्रभु पर दोष लगाना पसंद नहीं। जब मैंने सुना, मैंने सोचा कोई आश्चर्य नहीं कि कुछ लोगों के पास खाना नहीं है, जो ऐसे प्रचार करते हैं उसके बारे में कह रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस तरह का प्रचार करने से आपको कुछ पैसे मिलेंगे। सात कारण कि परमेश्वर क्यों लोगों को बीमार करता, मैं आपको बताऊं, लोग 70 कारण आपको बताएंगे कि क्यों बीमार होते हैं। यहां इस संसार में सैकड़ों कारण है कि क्यों बीमार होते हैं, शैतान के संसार में, इस वातावरण में।
लेकिन परमेश्वर तो बीमारियों को फैलाने वाला नहीं है, वो तो चंगाई दाता है। बाइबल स्पष्ट कहती है, परमेश्वर का राज्य, प्रभु के राज्य का प्रचार कीजिए और बीमारों को चंगाई दे। ये दोनों एक साथ चलते हैं, प्रभु राज्य का प्रचार करे और बीमारों को चंगाई दे। As we wait upon the Lord, strength arises. I want you to just repeat after me with our singers. Strength arises as we wait upon the Lord. 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 Strength arises as we wait. Upon the Lord, everybody. Strength arises, we wait upon the Lord. If you believe it, sing it. Strength arises, we wait upon the Lord. Strength arises, we wait upon the Lord. Strength arises, we wait upon the Lord.